रेवाड़ी जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए अब शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इन स्कूलों को बंद कराते समय कोई अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए जिलाधीश ने दंड प्रतिक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 व 23 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं 8वीं यूकेजी प्री नर्सरी नर्सरी कक्षा तक के ऐसे 99 स्कूल शामिल हैं जिन पर जल्द ही प्रशासन की गाज गिरना तय है। मगर अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इन आदेशों की सही ढंग से पालना करता है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ भी भाई भतीजावाद का खेल बनकर रह जाएगा। रेवाड़ी से अजय अत्री, आजाद टीवी न्यूज। 17 के अंदर भी लगभग 108 स्कूलों को नोटिस दिया गया था लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, फिर भी वही स्कूल जो है धड़ल्ले से सामने आते हैं चलते हैं। इसी कारण हमने दोबारा से सर्वे करवाया है और उसमें जो पता लगा है उन कॉलेजों स्कूलों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उन संस्थाओं के खिलाफ जो है अब कार्रवाई की जाएगी। कब तक उम्मीद है कि स्कूलों पर कार्रवाई हो जाएगी? जल्दी हमने जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं और जैसे ही उनको नोटिस का टाइम उनका पूरा होता है हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।